और इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी से जुड़ी हुई। सपा ने पार्टी संगठन से जुड़े एक नए अध्यक्ष को मनोनीत किया है। सपा चीफ अखिलेश यादव ने 4 नए उपाध्यक्षों के नामों का ऐलान भी किया है। सपा अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ की कमेटी घोषित की गई है। व्यास जी गौंड को बनाया गया है प्रकोष्ठ का अध्यक्ष। राम उजागर गौंड, डॉक्टर विनोद भास्कर, त्रिवेणी प्रसाद खरवार और राजेश गौंड को उपाध्यक्ष बनाया गया है। प्रदेश कार्यकारिणी में 15 सचिव और 4 सदस्यों के नाम भी घोषित किए गए हैं। प्रकोष्ठ की प्रदेश कार्यकारिणी में 24 पदाधिकारी नामित हुए हैं। सपा प्रदेश अध्यक्ष ने संगठन के नामों के ऐलान की सूचना जारी की है। तो इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी से जुड़ी हुई। निकाय चुनाव के नतीजों के बाद अखिलेश यादव एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और पार्टी की हर इकाई को मजबूती देने की तैयारी में है, क्योंकि आने वाले वक्त में लोकसभा चुनाव की तैयारियों को तेज करना है। अगर इकाइयां कमजोर होगी तो चुनावी तैयारियों में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में अखिलेश यादव अब किसी भी तरीके का कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहते हैं, पार्टी में कमजोरी की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहते हैं और कवायद में लगे हैं कि हर इकाई को मजबूती दी जाए, पदाधिकारियों को नियुक्ति दी जाए, ताकि समाजवादी पार्टी बेहतर तरीके से मजबूती के साथ सियासी तैयारी कर सके, सियासी समीकरणों को साध सके और सियासी गठजोड़ को आगे बढ़ा सके। तो इस वक्त की बड़ी खबर अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी से जुड़ी हुई। पार्टी ने संगठन से जुड़े एक नए अध्यक्ष को मनोनीत किया है। सपा चीफ अखिलेश यादव ने 4 नए उपाध्यक्षों के नामों का भी ऐलान किया है। सपा अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ की कमेटी घोषित कर दी गई है। व्यास जी गौड को बनाया गया है प्रकोष्ठ का अध्यक्ष। इसके अलावा राम उजागर गौंड, डॉक्टर विनोद भास्कर, त्रिवेणी प्रसाद खरवार एवं राजेश गौंड को उपाध्यक्ष बनाया गया है। प्रदेश कार्यकारिणी 15 सचिव और 4 सदस्यों के नाम भी घोषित किए गए हैं। प्रकोष्ठ की प्रदेश कार्यकारिणी में 24 पदाधिकारी नामित हुए हैं। सपा प्रदेश अध्यक्ष ने संगठन के नामों के ऐलान की सूची भी जारी कर दी है। अखिलेश यादव के इस ऐलान के बाद उत्तर प्रदेश में हलचल देखने को मिल रही है। समाजवादी पार्टी में भी हलचल देखने को मिल रही है। जिन पदाधिकारियों को नियुक्ति दी गई है वो भी अब सक्रिय दिखाई दे रहे हैं और उन्हें सक्रियता के निर्देश भी अखिलेश यादव की तरफ से दिए गए हैं। अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा है कि नई जिम्मेदारी मिलने के साथ ही पदाधिकारी सक्रियता बरतने, अपने अपने लेवल पर पार्टी को मजबूती देने के लिए काम करना अभी से शुरू कर दें। लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी को इस स्थिति में बनाना है ताकि विरोधियों के सामने समाजवादी पार्टी मजबूती के साथ टक्कर पेश कर सके। तो इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी में नए अध्यक्ष को मनोनीत किया गया है। 4 नए उपाध्यक्षों का ऐलान भी किया गया है और समाजवादी पार्टी की तरफ से इस ऐलान के बाद सियासी हलचल जो है वो तेज है। अखिलेश यादव ने इन नामों पर मोहर लगाई है जिनमें व्यास जी गौंड, राम उजागर गौंड, डॉक्टर विनोद भास्कर, त्रिवेणी प्रसाद खरवार और राजेश गौंड का नाम शामिल है। 24 पदाधिकारियों के नाम नामित हुए हैं। प्रदेश अध्यक्ष ने संगठन के नामों के ऐलान की सूचना भी जारी कर दी है और अखिलेश यादव ने आखिरी फैसला सुनाते हुए इन नामों पर मोहर लगाई और जल्द से जल्द इन्हें कार्यभार संभालने के लिए भी कहा गया है।